तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भाई। अगर आप किसी लड़के को पटाना चाहते हो, फिर चाहे वो कोई भी लड़की हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लड़की पटाने के घर बैठे बैठे सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। और जो इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बंदी आपसे पड़ जाएगी। तो अब चलते अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो है सो यू आर सिंगल। भाई, ये लड़की पटाने का घर बैठे बैठे सबसे पहला स्टेप है। आपको जिस लड़के को पटाना है, आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि आप सिंगल हो और आपकी कोई भी जीएफ नहीं है। क्योंकि कई बार लड़कियां इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो सोचती है कि यार, इस बंदे की पहले ही कहीं सेटिंग है, तो मेरे से ये लड़का सेटिंग क्यों करेगा। तो भाई, आप लड़के को दिखाओ कि आप सिंगल हो। और जब लड़की को दिखता और पता चलता है कि आप सिंगल हो, तो लड़की का भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगता है, अगर वो भी सिंगल होती है तो ध्यान रखो, लड़के को कभी भी पता मत चलने दो चाहे आपकी कितनी भी जगह सेटिंग हो रही है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी बंदी को पटाना है, तो आप उसे सो मत होने दो कि आपके पहले से ही सेटिंग हो रखी है। अगर ये चीज़ लड़की को पता चल जाती है, तो लड़की बिल्कुल भी घास नहीं डालती है। लड़की सोचती है, यार इसका पहले से ही सेटिंग हो रखी है, ये फिर भी मुझे सेटिंग करना चाहता है, ये बंदा बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अब चलते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है उसके लिए अवेलेबल रहो। अब भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर आप लड़की के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे स्टार्टिंग में, तो लड़की क्या सोचेगी कि यार, ये मुझे स्टार्टिंग में ही टाइम नहीं दे रहा, तो बाद में क्या घंटा टाइम देगा। अगर लड़की के लिए आप अवेलेबल नहीं रहोगे, तो वो किसी और बंदे के पास भागेगी जो उसके लिए अवेलेबल रहेगा। तो भाई, कंपटीशन का ज़माना है, थोड़ा समझो। और अवेलेबल रहने का ये मतलब नहीं है कि आप लड़के को अपने तरफ से हर बार मैसेज किए जा रहे हो, हर बार अपने तरफ से ही अप्रोच किए जा रहे हो। नहीं, अवेलेबल रहने का मतलब ये है, लड़के को जब भी किसी तीसरे पर्सन की नीड हो, तो आपको उसके लिए अवेलेबल रहना है। तो वहाँ आपको उस नीड की भरपाई करनी है। क्योंकि मोस्टली लड़कियों का नेचर होता है कि उन्हें कोई ना कोई बंदा चाहिए ही होता है, जिससे वो अपनी बातें शेयर करके अपने मन को हल्का कर सके। क्योंकि लड़कियों को बातें शेयर करना बहुत ही पसंद होता है। और अगर लड़का उनसे बातों बातों में पूछ ले, हाउ वाज योर डे, आज आपका दिन कैसा गया, तो ये चीज़ तो सोने पे सुहागा हो जाती है। फिर तो लड़की आपसे इतनी बातें करेगी कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। और ये चीज़ अगर आप उस लड़के से पूछ लेते हो जो आप में इंटरेस्टेड है, तो आपका काम बनता ही चला जाता है। तो अब चलते हैं भाई थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है बॉयफ्रेंड मटेरियल बनो। भाई, बिना कुछ करके लड़कियाँ तभी पटती है जब आप में वो सब चीज़ें होती है जो आजकल की यंग लड़कियाँ चाहती है अपने बॉयफ्रेंड में। तो आपको अपने अंदर वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और अपने आप को एक बॉयफ्रेंड मटेरियल बंदा बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई बॉयफ्रेंड मटेरियल बनने के चक्कर में आप अपना बॉडी बना लो, अपने शरीर पर पैसे लगा लो, डीओ मार लो, अपना पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर लो। ये तो सभी वीडियोज़ में बताते हैं। अगर आप सीरियसली लड़के को पटाना चाहते हो, तो वो काम करना छोड़ दो जो अब तक आप कर रहे थे भाई, और उस लड़के को मत पटाओ जो आप में इंटरेस्टेड ना हो। तो इससे टाइम तो बर्बाद हो गई होगा, और टाइम के साथ साथ पैसा भी बर्बाद होगा। तो उस लड़के को पटाओ जो आप में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाती है। फिर उसकी नीड्स को समझो, उसकी ज़रूरत को समझो कि उसकी ज़रूरत क्या है। नीड्स को समझो मतलब कि एग्जांपल, अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली है और वो आपसे कभी कभी बात भी करती है, तो उससे पढ़ाई से रिलेटेड बात करो। दूसरा एग्जांपल, सपोज़ करो अगर लड़की आपके कॉलेज की है और उसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करना पसंद है, तो आप उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करो। इससे लड़की को लगता है कि आपको और उसके थॉट्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं, और आप कुछ हद तक एक दूसरे के आइडियल मैच हो। और जब लड़की को यह एहसास हो जाता है, तो लड़की अपना इंटरेस्ट आपके तरफ में शो करने लगती है, और साइलेंटली वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ आने लगती है। इससे आप उस पर्टिकुलर एक बंदी को दिखा देते हो कि आप एक बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, और आप उसके लिए एकदम परफेक्ट हो, और आप एक जेंटलमैन पर्सन हो। और भाई, ये तरीका लड़की पटाने के उन तरीकों में से एक है जिनमें लड़कों को कभी भी लड़की के पास जाके प्रपोज नहीं मारना होता। हाँ, इस तरीके में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये तरीका 100% वर्किंग है। और इस तरीके से ऐसे ऐसे पप्पा के परिया लाइन पर आ जाती है, पड़ जाती है, जो बॉयफ्रेंड के नाम से भी नफरत करती है। तो अगर आपको भी किसी का बॉयफ्रेंड बनना है, तो इन टिप्स को फॉलो करके याद से चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।